उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव रविवार यानी आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। इस फेज में प्रदेश के कई दिग्गज राजनीतिक हस्तियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। चुनाव को देखते हुए मतदान केंद्र और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। यूपी में अभी तक 21.18% वोटिंग हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी पत्नी एवं कन्नौज के पूर्व सांसद डिंपल यादव के साथ मतदान करने सैफी केंद्र पहुंचे। वहीं जलौन के तीसरे चरण में चल रहे मतदान में आज केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने अपने गृह नगर कोंच के मालवीय नगर स्थित बूथ पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भागीदारी बने। राष्ट्रवाद के ऊपर और विशेष रूप से जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, बंजारा समाज हुआ है, एबीसी हटाओ उससे, यानी उसी के पक्ष में मतदान किया है, ऊपर से हटाओ। बुंदेलखंड में क्या लग रहा है इस बार, पिछली बार की तरह क्या इस बार भी खेला होगा? बिल्कुल, 2014 में फूल खिला था और इसके बाद 2017 में फूल खिला था, 19 सीटें प्राप्त हुई थी और 2019 में भी 19 सीटें प्राप्त हुई, चारों लोकसभा की प्राप्त हुई और ये 2022 का चुनाव है, इसमें भी बुंदेलखंड का चौहुमुखी विकास हुआ है और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और राष्ट्रवाद के ऊपर लोग वोट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिता है। आज करहल में भी वोटिंग चल रही है, वहाँ पर आपके SP वगैरह आपके साथ के मंत्री भी खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है इस बार करहल का मुकाबला? बिल्कुल, SP सिंह बघेल पहले, उन्हें मालूम है, जब जानते हो कि कोई किसी घर परिवार का होता है तो उसे एक एक कोने का पता रहता है, कहाँ क्या कर सकते हैं ये, और हमारे वो मंत्री हैं SP सिंह बघेल जी, और पहले प्रदेश मंत्री रहे, इस समय केंद्र में हमारे साथ मंत्री हैं, उन्हें सपा की छोटी छोटी कमियों का पता है और निश्चित वहाँ से SP सिंह बघेल जी। रामगोपाल यादव ने कहा है कि 59 में आज 50 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी इस चरण में, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? कहने के लिए कोई कुछ भी कह ले, जनता विकास जो आज गरीबों के लिए जो फ्री में खाद्यान्न मिल रहा है, उन्हें जो सुविधाएं दे, आवास की सुविधाएं दे रहे, सारी चीज़ें दे रहे हैं, इतनी सुविधाएं बुंदेलखंड में कभी इतना विकास नहीं हुआ जितना वर्तमान में हुआ है, और वर्तमान में जो विकास हुआ उसे देख के जनता वोट कर रही है और योगी और मोदी को देख रही है और राष्ट्रवाद को देख रही है। वहीं BJP अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखनऊ से हेलीकॉप्टर से वोट डालने जलौन के उरई पहुंचे। BJP अध्यक्ष पोलिंग बूथ संख्या 391 में वोट डालें। चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।